गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज 365। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें पहले हम कुछ करंट अफेयर पढ़ेंगे, उसके बाद स्ट्रेटजी के पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आप लोगों के लिए, तो अंत तक जरूर जुड़िएगा। एक मिनट के बाद हम क्लास की शुरुआत करते हैं, जब तक नोटिफिकेशन वगैरह पहुंचता है सभी के पास, सभी को जुड़ते हैं आप सभी लोग। और भाई नॉलेज 365 को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको डेली करंट अफेयर, स्ट्रेटजी के, मॉडर्न स्टडीज, ओवरऑल आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ने को मिल रही सभी एग्जाम की दृष्टि से, सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और बात कर लेते हैं भाई इंडिया के लर्निंग लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म के बारे में। अगर आप यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो कई सारे बेनिफिट आपके रहेंगे, और आने वाले एग्जाम के लिए आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। कोई भी आपको एग्जाम देना हो, सभी एग्जाम की आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट वाला फीचर बहुत ही बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा स्ट्रक्चर कोर्सेस रहेंगे, नहीं अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग सेपरेट कोर्सेस आपको मिलने वाले हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में, केवल एक सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, उसके बाद अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा आपको, कितने भी लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेस आप देख सकते हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट आपको एक बार हो जाएंगे, केवल एक ही सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। मैथ, रीडिंग, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट आपके रहेंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड, सारे आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। करना क्या है आपको, सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग डाउनलोड करना है, जिससे आपको 10:30 वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, उसको भी आप ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जाना है आपको साइन अप करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर, फिर 12 या 24 मंथ का प्लान चूज करना है, क्योंकि मंथली क्वेश्चन में काफी कम रहती है, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें 1-2-3 मंथ के, तो उससे आपका काफी कम रहेगी, जहाँ से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपसे पूछा जाएगा रेफरल कोड, कि आपके पास रेफरल कोड है तो वहाँ आप यूज करेंगे @studyparwar, जिससे आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का ऑफ आपके प्लस सब्सक्रिप्शन पर, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या होगा, 10% का ऑफ मिल जाएगा, जो आपके 7,200 रही थी 24 माह की, वो 6,480 रह जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार आप जुड़ सकते हैं प्लस प्लेटफॉर्म पर और लाभ ले सकते हैं उसका। यहाँ से पेमेंट आप कर दीजिए, कंप्लीट आपको सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। किसी भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना है SSC, रेलवे, बैंक, तो आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए भाई सभी लोग, जिससे और लोग भी जुड़ सकें, और आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है भाई। चलिए वेरी गुड मॉर्निंग, सभी लोग जुड़ जाइए, उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा नो कॉस्ट EMI का भी फंक्शन आपको मिल जाएगा, 6, 12 या 24 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उस पर आपको ये मिलने वाला है। और कुछ क्रेडिट अगर आपके पास है तो उनको भी रिडीम कर लीजिएगा सब्सक्रिप्शन लेने से पहले, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको यहाँ से प्राप्त हो। तो शुरुआत करते हैं, पहले कुछ करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, केवल इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी भाई यहाँ पर चर्चा करेंगे उनके बारे में। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए भाई सभी लोग, जिससे और लोग भी जुड़ सकें। सबसे पहले बात करेंगे भाई जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। उनके द्वारा 19 अक्टूबर से, यानी कि आज से, आपका माई टाउन माई प्राइड नामक एक आंदोलन शुरू किया जा रहा है। कौन सा आंदोलन रहेगा आपका, माई टाउन माई प्राइड। क्वेश्चन कैसे बन सकता है यहाँ से आपका पूछ जा सकता है, माई टाउन माई प्राइड नामक आंदोलन या अभियान किसके द्वारा शुरू किएगा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। तो याद रखेंगे आप लोग जम्मू कश्मीर, ठीक है। कौन सा है आपका, माई टाउन माई प्राइड, जो आपका बैक टू विलेज चला था आपका, कहाँ पर, जो शहरी क्षेत्रों में चला था बैक टू विलेज, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के, उसी के कार्यक्रम के तर्ज पर आपका शासन के द्वारा ये चलाया जा रहा है। इसमें आपका शिकायत का निवारण, ये सारी चीजें रहेंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही से बनता है आपका, ये आपका माई टाउन माई प्राइड नामक अभियान या आंदोलन किस गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग मधु जी, सिंह जी, अंकित कुमार, सभी का स्वागत है। तो पहले हमने बात कर ली यहाँ पर माई टाउन माई प्राइड की, तो आंसर हो जाएगा आपको इस तरीके, याद रखिएगा इसको। अगला बात करेंगे यहाँ पर माइकल ईरानी के बारे में। तो माइकल ईरानी जी क्या बने हैं, IWF यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है आपका, उसके जो है क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। उसके क्या बने हैं आपके, अध्यक्ष बने हैं, क्योंकि अब इनके जो आपके अध्यक्ष रहे थे पहले, उन्होंने इस्तीफा दिया, थॉमस अजान के इस्तीफे के बाद इनको नियुक्त किया गया है। और ये कैसे अध्यक्ष बने हैं, उसके आपके कार्यकारी बोर्ड की बैठक में आपका इनको जो है अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया, उनके इस्तीफे के बाद इनको क्या चुना गया, अंतरिम अध्यक्ष चुना गया, किसको, डॉक्टर माइकल ईरानी, याद रखिएगा इनके बारे में। भाई अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के बारे में बात करेंगे, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि भाई इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ रहेगा, ठीक है। IWF का हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, इसकी स्थापना की बात करें तो 1905 में होती है भाई। इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, माइकल ईरानी, जो कि अभी ब्रिटेन के, वर्तमान बात कर ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी रहेगी, बॉम्बे में इनका जन्म होता है, भारत में बॉम्बे में इनका जन्म होता है, ठीक है। चलिए सौरभ जी वेरी गुड मॉर्निंग, अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर बताएंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा आपका, तो याद रखिएगा भाई इसका हेडक्वार्टर हमारा हो जाएगा बुडापेस्ट हंगरी में, ठीक है, हंगरी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका। बुडापेस्ट क्या है आपकी, बुडापेस्ट कैपिटल है हंगरी की, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को, इंटरनेशनल आपका जो पूछा है आपसे, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, तो वो हंगरी में रहेगा आपका, ठीक है। चलिए बुडापेस्ट हंगरी में हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर, हम एक समिति गठित की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने आपका जो पराली जलाते थे किसान जो होते थे, आपके गेहूं के खेत जो बाकी बच जाते हैं, जो मशीन से काटे जाते हैं, तो उनका क्या रहता है आपका, जो अगर बात करें तो वो बाकी का जो हिस्सा रहता है वो खेतों में खड़ा रहता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं किसान, क्या इसको अगर काटेंगे साफ करेंगे तो उनका खर्चा ज्यादा बढ़ेगा, तो क्या करते हैं सीधे आग लगा देते हैं।
जो मुख्यतः पर कहाँ होता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इन राज्यों में होता है। तो यहाँ पर पराली जलाते हैं, उसको रोक लगाने के लिए एक आपकी समिति गठित की गई है, उसका अध्यक्ष कौन रहा है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए। चलिए अकांक्षा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो याद रखेंगे मदन बी लोकुर है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं आपके, जस्टिस मदन बी लोकर, जो जिसकी अध्यक्षता में एक सदीय जो निगरानी समिति गठन किया गया। समिति किससे रिलेटेड है ये पूछा सकता है कि मदन बी लोकर की अध्यक्षता में बनाई गई समिति किससे रिलेटेड है, तो पराली जलाने से है, जो कि आपका पराली इस तरीके से जलाई जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में, तो इससे प्रदूषण होता है, इसके चलते आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला लिया गया है। तो याद रखने वाली केवल एक ही पॉइंट है यहाँ पे, आप वो है मदन बी लोकुर, मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में बनाई गई समिति किससे रिलेटेड है, या फिर पूछा सकता है पराली जलाने को रोकने के लिए आपका निगरानी समिति एक बनाई गई थी, तो उसके अध्यक्ष कौन है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, याद रखेंगे इस चीज को, पराली आपका जलाने से रिलेटेड आपका मदन बी लोकुर हो जाएंगे, इसको याद रखेंगे आप। चलिए आगे बात करेंगे हम, एक और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर, जनता दल के जो आपके थे वरिष्ठ नेता कपिल देव कामत, उनका निधन हो चुका है कोविड-19 के चलते। ठीक है, कोविड-19 से उनका निधन हुआ है यहाँ पर आपका, जो कि बिहार के पंचायती राज मिनिस्टर थे। कौन थे? बिहार के पंचायती राज मिनिस्टर थे, मधुबन जिले जो है बिहार का, वहां पर आपको बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र है, वहां से जेडीयू विधायक थे आपके। तो ये याद रखने वाली चीज है, किसका निधन हुआ है भाई, पंचायती राज मिनिस्टर कहाँ के? बिहार के। ठीक है, क्या नाम था उनका? कपिल देव कामत। चलिए गुरु जी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, पराली क्या है मैंने बताया आपको, क्या होता है भाई, जो उसको कहते हैं पराली, जो कि आपका खेत, देखिए गेहूं ऊपर रहता है आपका, उसमें इस तरह लंबा पौधा होता है उसका, तो उसके ऊपर ऊपर जो आपकी फसल होती है वो काट ली जाती है, नीचे उसका बचा हुआ हिस्सा रहता है, उसको आग लगा देते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं पराली। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर, एक और लास्ट हमारा पॉइंट यहाँ पर रहेगा, ये वाला शिलनेक्स के बारे में, SLINEX के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो 8वां इसका संस्करण होने वाला है 19 से 21 अक्टूबर के मध्य श्रीलंका के त्रिंकोमाली में। ठीक है, कहाँ पर? त्रिंकोमाली में होगा, श्रीलंका के में। उसका 7वां जो आपका हुआ था संस्करण, तो वो हुआ था सितंबर 2019 में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर भारत और श्रीलंका के मध्य आपका होने वाला है, तो फर्स्ट तो ये रखना भी कौन कौन से देश के मध्य होने वाला है। कई बार पूछा था भारत और किस देश के मध्य होने वाला आपका ये संयुक्त आपका शयन अभ्यास रहेगा, तो ये क्वेश्चन बनता है एक तो आपका यहाँ पर। ठीक है, दूसरा यही बनेगा, कहाँ पर हुआ? तो श्रीलंका के त्रिंकोमाली में हुआ आपका इस बार, 19 से 21 अक्टूबर के मध्य आपका आयोजित होने वाला है। ठीक है भाई, चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं, अब आंसर देना आपको। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आंसर दीजिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात की जा रही है आपसे यहाँ पर, NSG की बात की जा रही है, इसका स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया है भाई, तो यह कौन सा स्थापना दिवस रहेगा इसका, वो आपको बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग उत्तर देंगे भाई, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आंसर दीजिएगा सभी, क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए भाई फटाफट आंसर करेंगे सभी, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा सही। तो क्वेश्चन आपसे कहता है यहाँ पर NSG की आपका 16 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाया गया है, तो पूछा जा रहा है कौन सा रहा, याद रखिएगा 36 हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका सी पर दिया गया है। 1984 को स्थापना होती है 1984 में, तो 36वां आपका स्थापना दिवस मनाया गया है। बात करेंगे इसके बारे में भाई, इसके वर्तमान में DG यानी कि महानिदेशक कौन रहेंगे सुरक्षा गार्ड के, तो ये रहेंगे अनूप कुमार सिंह। तो याद रखिए इस चीज को, आदर्श वाक्य क्या है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला है, जो आपके सेना रहती है या फिर कोई ऐसी संस्था रहती है, इनका आदर्श वाक्य पूछ लिया, तो सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, सुरक्षा काम ये कर रहा है भाई, सबसे पहला काम क्या रहेगा इनका, सर्वोत्तम काम तो वही है सुरक्षा करने का, NSG कमांडोज का अगर हम बात करें, तो इस प्रकार भी इनको याद रख सकते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए आंसर दीजिए सभी, क्वेश्चन नंबर 2, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग का विमोचन नवंबर 2020 में होगा, इसके लेखक कौन है भाई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन, फटाफट आप लोग आंसर देंगे इसका, राइट आंसर हमारा क्या होगा, फटाफट कमेंट करेंगे सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर है भाई, जाने माने ऑथर हम कह सकते हैं इनको भी, काफी सारी बुक्स हैं इनकी, फटाफट आंसर देंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका पूछ रहा है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग जो है इसका विमोचन 2020 में होने वाला है नवंबर के माह में, तो आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि इसके लेखक कौन है, ये जल्दी से आपको बता देना है कमेंट में फटाफट, क्या आंसर आ रहा है आप सभी का यहाँ पर। चलिए बी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा भाई, जो डी की तरफ जा रहे हैं उनका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, नवंबर 2020 में इसका जो है विमोचन किया जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, शशि थरूर। ठीक है, इनकी पुस्तक आई थी आपको याद हो YIM हिंदू, इसका ही आगे का विस्तार रूप है ये YIM हिंदू का। तो क्वेश्चन बन सकता है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, शशि थरूर की जो पुस्तक है, किस पुस्तक का अगला पार्ट है हम कह सकते हैं उसका विस्तार रूप है, तो याद रखिएगा YIM हिंदू, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, पुस्तक में वही चीज बताएंगे आपकी, भारत की स्थापना 21वीं सदी में देशभक्त राष्ट्रवादी भारतीय होने का क्या अर्थ है, सारी चीजें बताई गई है, और प्रकाशन कौन कर रहा है इस कंपनी का, कौन सी कंपनी रहेगी इस बुक का,
तो यार ये एलएफ बुक कंपनी जो है इसको प्रकाशन कर रही है, वाई आई एम ए हिंदू का ही विस्तार रूप है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। तो मिशन शक्ति वही किस राज्य के द्वारा आपका शुरू किया गया है? महिलाओं के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और अपराध से निपटने के लिए मिशन शक्ति शुरू किया गया है। ऐसे मिशन एग्जाम में बहुत आपको देखने को मिलते हैं, ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। चलिए भाई फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 कहता है यहाँ पर कि भाई मिशन शक्ति किस गवर्नमेंट के द्वारा आपका शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या आंध्र प्रदेश? क्या होगा आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का? चलिए 3 का आंसर आपका सी आ रहा है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन ए दिया सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा आपका मिशन शक्ति शुरू किया जाएगा। भाई सारे उद्देश्य इसके कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट केवल इतना है कि महिलाओं के लिए आपका जागरूकता बढ़ाने और अपराध के खिलाफ निपटने के लिए कौन सा आपका मिशन शक्ति जो है किस गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश इसका आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए भाई, तो भारत और चिली के मध्य आपका एक वो हुआ है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वार्ता, तो आपको बताना है चिली दक्षिण अमेरिका के किस हिस्से में स्थित है, साथ ही आपको इसकी कैपिटल भी बताना है अगर आपको पता है कि भाई राजधानी क्या रहेगी चिली की। ऑप्शन के अनुसार आंसर देना है, वैसे आपका आंसर क्या हो जाएगा हमें पता है भाई साउथ अमेरिका में है चिली, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आपके अलग दिए गए, साउथ वाला ऑप्शन नहीं दिया गया है। चलिए बिल्कुल भाई क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देंगे सभी, और सेशन को लाइक करते रहिए जितने भी लोग जुड़े हैं यहाँ पर, लाइक करने में क्या लग रहा है फटाफट लाइक कर देंगे सभी। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है भाई इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चिली दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका डायरेक्ट दे दिया आपका भाई, डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है भाई कहां पर कौन से हिस्से में, साउथ अमेरिका में है, तो यहां पर आपसे पूछा गया दक्षिण अमेरिका के कौन से हिस्से में स्थित है, बिल्कुल कैपिटल से बता दी यहाँ पर निम्न जी करेक्ट हो जाएगी, कैपिटल आपके लिए आंसर दीजिए, इसका आंसर भी देना है पहले आपको, बिल्कुल कैपिटल तो आपने दे दिया आंसर, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर इसका वेस्टर्न, कहां पर होगा पश्चिमी होगा, देखिए हिस्सा भी देख लेंगे मैप के थ्रू भी हम, पहले इसका आंसर बात कर रहे तो ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिमी हिस्से में रहेगा दक्षिण अमेरिका के में। तो भारत और चिली के मध्य भी आपका पहली संयुक्त तो आयोग की बैठक आयोजित की गई थी वर्चुअल माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसमें आपका दोनों देशों के मध्य व्यापार, वाणिज्य, कृषि, स्वास्थ्य सारी चीजों पर जो है चर्चा की गई थी। ठीक है, अब आपको ये चीज और याद रखनी है यहाँ पर कि चिली ने अपनी जो है विदेश नीति में भारत को प्राथमिकता वाले देश के रूप में नामित किया है और वह मुंबई में अपना पहला महावाणिज्य दूत खोलेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मुंबई में अपना महावाणिज्य दूत किस कंट्री के द्वारा खोला गया है या खोले जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा चिली इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर कैपिटल वगैरह की बात कर लेते हैं, तो ये स्थिति अगर हम देखें तो चिली आपकी यहाँ पर रहेगी, ये स्थिति रहेगी भी चिली कंट्री की, एंड पश्चिम दक्षिण अमेरिका में स्थित है ये, एंडीज पर, एंडीज से पूर्व और प्रशांत महासागर के पश्चिम के रूप में आपका ये संकीर्ण पट्टी, यहाँ पर आपको इसकी स्थिति हम देखें तो यहाँ पर, इसके अलावा सैंटियागो यहाँ की कैपिटल हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी इसकी चिली पेसो, सेबास्टियन पिनेरा यहाँ का चिली के वर्तमान राष्ट्रपति है। यहाँ पर मैप में भी देख लेते हैं, वर्ल्ड मैप में स्थिति देखें तो भाई चिली की क्या देखिए, ये आपका पूरा साउथ अमेरिका हो जाएगा, ये वाला जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है ये पूरा साउथ अमेरिका हो जाएगा, यहाँ पर आपका चिली रहेगा। ठीक है भाई, सैंटियागो यहाँ की कैपिटल हो जाएगी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। चाबहार बंदरगाह स्थित है, भाई कहाँ पर स्थित है फटाफट बताएं, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, दीजिए आंसर। चाबहार की बात कर रहा है क्वेश्चन आपसे, क्योंकि ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है आपका, क्वेश्चन नंबर दिया है आपका यहाँ पर 5, आंसर देंगे सभी। जो चाबहार आपका रहेगा बंदरगाह कहाँ पर रहेगा, कई बार खाड़ी पूछी जा सकती है, तो ओमान खाड़ी के तट पर स्थित है आपका, ये कहाँ पर होगा आपका, बिल्कुल ईरान में हो जाएगा, ऑप्शन डी की तरफ जितने भी लोग जा रहे हैं सभी का आंसर हो जाएगा, काफी सिंपल क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, तो आपका ओमान की खाड़ी के तट पर है, कई बार ये चीजें पूछा जा सकता है, तो आंसर हमारे यहाँ पर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आंसर दीजिएगा। इसे यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, इससे क्वेश्चन भी पूछा चुका है, अभी सीएसएल का एग्जाम है लेकिन इसके बारे में नहीं पूछा गया था आपका, हमने पूछा गया था वो। चलिए पहले इसका आंसर दीजिए फिर बात करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में कि किसको आपका जो है यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है वो आपको बताना है। चलिए फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, आंसर दीजिएगा। तो भाई यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल हो जाएगा, मधु जी करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन, अगर आपके यार है सौरभ जी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन जो ए पर दिएगा विशाल बी शर्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए पर दिएगा विशाल बी शर्मा जो है आपके यूनेस्को में भारत के अगले जो है स्थायी प्रतिनिधि रहेंगे, तो याद रखिएगा इस चीज को। एंड यूनेस्को के बारे में बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में हो जाएगा, कई बार यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा जाता है
वहां पर न्यूयॉर्क ऑप्शन होता है और स्विट्जरलैंड की भी जो आपका बर्न है क्या कहते हैं उसको जेनेवा, वो ऑप्शन में ऐसे होते हैं। तो याद रखिएगा यूनेस्को का कहां पर हो जाएगा, फ्रांस के पेरिस में होगा। कहां पर होगा भाई, पेरिस में होगा। इस चीज को याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका यूनेस्को, हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा इसका, फ्रांस में रहेगा। प्रमुख इसके ऑड्रे अजोली है वर्तमान में। 16 नवंबर 1945 को स्थापना की जाती है। तो हेडक्वार्टर वाला क्वेश्चन बहुत आता है भाई, इसको याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि इसका पेरिस फ्रांस में है। ज्यादातर हम देखते हैं तो यूएन का कंफ्यूज हो जाते हैं, यूएन का न्यूयॉर्क में, इसलिए वहां से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। चलिए सबिना जी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो याद रखेंगे इस चीज को, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर किसका, यूनेस्को का। चलिए आगे भी बात करते रहेंगे इसके बारे में, जैसे याद रहे आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आपके सामने ऑपरेशन ग्रीन से रिलेटेड। तो ऑपरेशन जो ग्रीन है योजना आपकी, इसका उद्देश्य निम्नलिखित में से फसलों में से जो किसकी आपूर्ति को स्थिर करना है, किसके लिए मुख्यतः ये पूछे जा रहे हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर दिया है यहां पर आपका 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देंगे आप। ऑपरेशन ग्रीन योजना की बात आपसे की जा रही है यहां पर। तो देखिए इसमें आपकी तीनों चीज रहेंगी, आलू प्याज टमाटर, ठीक है। अगर आलू की सब्जी बनानी है प्याज टमाटर जरूरी लगेंगे आपको, तो आलू प्याज टमाटर है आपका ऑपरेशन ग्रीन योजना में। तो उपरोक्त सभी आंसर आपका जितने भी लोग दे रहे हैं सही हो जाएगा, बिल्कुल डी आ रहा है आप लोगों का यहाँ पर, तो अच्छी बात है। ऑपरेशन ग्रीन आपका जो है आलू प्याज टमाटर तीनों के मुख्यतः इनका जो है आपूर्ति को स्थिर करना है आपका, ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत। याद रखिएगा इस चीज को। और इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है आपको यहाँ पर, 16 से 22 अक्टूबर 2020 के मध्य भारत का पहला इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर सप्ताह भी आपका जो है आयोजन किया गया है। किसके द्वारा, कृषि एवं खाद्य तकनीक का आयोजन जो है कर रहा है कौन, अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि सप्ताह भी आपका भारत कर रहा है पहला 16 से 22 अक्टूबर। तो डेट भी पूछी जा सकती, हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 8, आंसर दीजिएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमको थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो कोई भी चांसेस नहीं रहते सही करने का। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि हाल ही में जो पीएम मोदी जी के द्वारा उनकी 350वीं जयंती पर बाबा बंदा सिंह बहादुर का आभार व्यक्त किया गया है, तो वह निम्न में से किसके सदस्य थे, और एक लड़ाई भी इनसे रिलेटेड है जो ये जीतते हैं मुगलों से, एक लड़ाई जीतते हैं, तो वो क्वेश्चन ये बनता है कौन सी लड़ाई रही थी वो, अभी बात करेंगे, पहले आप लोग आंसर देंगे इसका। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी हमको देखना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है पीएम मोदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं जिनकी वो चर्चा करते हैं, वो क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि भाई भारत के प्रधानमंत्री सबसे ऊंचा पद हमका है तो वह है। तो वहां पर अगर आपसे पूछा जाता है उनसे रिलेटेड, जैसे मन की बात में उन्होंने बात की थी आंध्र प्रदेश की, आपको जो कला है उससे रिलेटेड, तो ऐसी चीजें याद रखनी चाहिए कि जो जिनके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं उनके बारे में, तो हमको याद रखना जरूरी है। यही देखें तो ये भी करंट अफेयर के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन ए की तरफ आप लोग जा रहे हैं ज्यादातर लोग, सभी लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं, सभी लोग सत्संग को लाइक करते रहे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका ए हो जाएगा, जब आप सभी लोग ये दे रहे हैं तो यही हो जाएगा आपका, जो ऑप्शन ए पर हमारा दिया गया है। गुरु गोविंद सिंह जो थे आपके, कौन से क्रम के गुरु थे आपके, गुरु गोविंद सिंह जो थे 1699 में इनके द्वारा क्या किया जाता है, स्थापना की जाती है किसकी, खालसा पंथ की। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो ए दिया गया गुरु गोविंद सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जो थे आपके, तो जो कि इनके शिष्य थे और इन्होंने समाना की लड़ाई जीती। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बना है एग्जाम में, अगर हम देखें यूपीएससी के लेवल की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला था कि आपका समाना की लड़ाई में संबंधित कौन सा कथन सही रहेगा, उसमें इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं आपके, तो उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो याद रखिएगा समाना की लड़ाई में बात करेंगे, 1709 में मुगलों को हराया था जो बाबा जो आपके बंदा बैरागी जो थे आपके बाबा बंदा सिंह बहादुर जो थे, इनको बांदा बैरागी के नाम से भी जाना जाता था। 1670 में इनका जन्म होता है, 1716 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। बैटल ऑफ समाना की बात की जाती है तो बंदा सिंह बहादुर एंड आपका वजीर खान के मध्य लड़ा गया था 1709 में। तो याद रखने वाला क्वेश्चन यही है कि ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। कहां पर है आपका ये समाना, ये पंजाब में रहेगा, कहां पर, पंजाब में रहेगा। तो समाना का युद्ध पूछा जाता है, अब आगे आने वाले दिनों में आपसे पूछूंगा कि समाना का युद्ध जो है रिलेटेड से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। बैटल ऑफ समाना याद रखेंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है। ऐसी क्वेश्चन नंबर आपका दिया है यहाँ पर 9 का आंसर देंगे आप सभी लोग यहाँ पर कि खिजड़िया पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है आपका, ये पूछा जा रहा है किस स्टेट में रहेगा आपका जो है खिजड़िया पक्षी अभयारण्य। वेलकम, जो भी लोग नए जुड़े हैं सभी का स्वागत है क्लास में। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य की बात कर रहा है क्वेश्चन, खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कहाँ पर रहेगी, कहाँ लोकेशन रहेगी, इसके पूछा जा रहा है आपसे, किस स्टेट में रहेगा ये पूछा जा रहा है। 1982 में इसकी स्थापना होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में 1982 में। चलिए फटाफट आंसर करेंगे आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, क्या हो जाएगा आंसर भाई इस क्वेश्चन का। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर गुजरात, जो ऑप्शन आपका सी पर दिया गया, गुजरात का जामनगर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत आएगा आपका खिजड़िया पक्षी
अभयारण्य। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट इसका आंसर करेंगे सभी। अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की बात आपसे की जा रही है यहाँ पर, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी पूछा जा रहा है आपसे, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हम कब मनाते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे सभी। क्या हुआ आंसर भाई, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। सभी लोग आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारे यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर जो 10 आपसे कहता है यहाँ पर उसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 17 अक्टूबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितने लोग 17 अक्टूबर दे रहे हैं, सभी का सही हो जाएगा जितने भी लोग दे रहे हैं। तो 17 अक्टूबर इसका आंसर हो जाएगा भाई, 19 अक्टूबर को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं 19 अक्टूबर आंसर होगा, कुछ लोग दे रहे हैं ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 17 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2020 की अगर हम थीम की बात करेंगे तो सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ अभिनय करना, तो थीम थोड़ी ज्यादा बड़ी रही है इसकी, ठीक है। तो गरीबी उन्मूलन जो आपका है, तो गरीबी का उन्मूलन करना भी एक बड़ी चीज है भाई, अपने आप में बड़ी बात है, अगर ऐसा हो सकता है तो बड़ी है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, काफी बड़ी इसकी थीम है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंट जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है। गरीब है तो भाई सबके साथ जस्टिस होना चाहिए, गरीबों के साथ भी, तो थोड़ा सा इसको कनेक्ट करके रख लीजिए, अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो आप लोग गलत नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए 11 का। चलिए करंट अफेयर डिस्कस हमने यहाँ तक कर लिया, आप कुछ स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए पूछा गया क्वेश्चन आपसे कि भाई पहला रेबीज का टीका जो रहा था किसके द्वारा डेवलप किया गया था, वो अमंग द फॉलोइंग डेवलप द फर्स्ट रेबीज वैक्सीन, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारे यहाँ पर, कौन किसने जो है डेवलप किया था रेबीज का टीका। रेबीज क्या है आपका, एक वायरस के द्वारा होने वाला रोग है जो आमतौर पर आपके कुत्ते बिल्ली लोमड़ी वगैरह अगर इनके आहार में वायरस मौजूद है और वो आपको अगर काट ले तो ये आपका रोग हो जाता है रेबीज को, हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। देखिए हाइड्रो शब्द का उपयोग होता है तो मान लीजिए यहाँ पर आपका जल आना तय है, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो से रिलेटेड हाइड्रो प्लांट्स बात की जाए तो जलीय पौधे होते हैं, तो हाइड्रो की बात करें तो आपका जल से रिलेट हो जाएगा। फोबिया का मतलब होता है भय, यानी कि जल से भय लगता है, जल से डर लगता है इस रोग, इसमें जो रोगी रहता है उसको, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन ये हमारे यहाँ पर से हो जाएगा, लुई पाश्चर इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा किस कंट्री के रहे होंगे लुई पाश्चर, एक बार आपको कमेंट में मुझे बताएंगे कि भाई कौन से देश के होंगे लुई पाश्चर, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन बनता है कभी कि लुई पाश्चर कहाँ जन्म हुआ होगा, इनका कहाँ के थे ये अगर पूछा जाए। और भाई हम एक दिवस भी मनाते हैं, वर्ल्ड रेबीज डे भी मनाते हैं, वर्ल्ड रेबीज डे भी मनाते हैं, कब 28 सितंबर को, क्योंकि 28 सितंबर 1895 में इनकी डेथ होती है किसकी, लुई पाश्चर की, तो इनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं वर्ल्ड रेबीज डे, ठीक है। चलिए कहाँ कहते भाई, फ्रांस के थे, कहाँ कहते फ्रांस के थे, और यह टीका विकसित करते हैं आपके 1885 में। चलिए और जोसेफ मिस्टर जो थे पहला टीका प्राप्त करने वाले व्यक्ति रहे थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आंसर देंगे आपको क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो, पहले लगते थे कितने 14 या 12 कितने इंजेक्शन लगते थे पेट में, अब तो वो काम खत्म हो गया, एक दो में काम हो जाता है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है यहाँ पर कि कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, और जब हमने बात की थी इसके में करंट अफेयर में हमने जब पढ़ा था ये आपका कि हमारे भारत की जो प्रीमियम आप कपास रहेगी उसको हम किस रूप में जानेंगे, आपका जो कपास हमारी भारत की रहेगी उसको एक्सपोर्ट जब करेंगे तो किस रूप में हम जानेंगे उस कपास को, तो वो आपको अच्छे से याद होगा कस्तूरी कपास नाम दिया गया है। कैसा नाम दिया गया, कस्तूरी कपास नाम दिया गया, तो याद कैसे रख सकते हैं इसको, देखिए भाई गांधी जी क्या करते थे चरखा चलाते थे और कस्तूरी उनसे रिलेटेड रही है, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं इसको कस्तूरी कपास, थोड़ा बहुत कनेक्ट करके रख सकते हैं इसको, क्योंकि अगर एग्जाम क्वेश्चन बनता है तो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है, तो हर चीज को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे आप लोग तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी जीके में आपको। बिल्कुल तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा भारत हो जाएगा, भारत आपका बात करेंगे प्रदूषण में तो प्रदूषण में तो सबसे बड़ा रहेगा और दूसरे पर चाइना रहेगा, लेकिन आपका एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो उसमें भारत दूसरे स्थान पर चले जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, आंसर देंगे 3 आपसे कहता है कि भारतीय संविधान में जो आपका सेक्युलर वर्ड जोड़ा गया है तो वो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, किस वर्ष जोड़ा गया और पीएम कौन रहे थे उस समय, तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं इजी इजी। चलिए चलिए हाँ हो सकता है 3-4 लगते होंगे क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी नहीं लगवाए सर ये कुत्ते वाले इंजेक्शन, ना ही लगवाना चाहूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है यहाँ पर कि धर्मनिरपेक्ष नामक शब्द कब शामिल किया गया, तो संविधान को हम मिनी संविधान संशोधन के नाम से भी जानते हैं, 42वां संविधान संशोधन जब आपका होता है मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है इसको, कई सारी चीजें इसमें जो है डाली जाती है, कई सारी चीजें हटाई जाती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन जो सी दिया गया, 42वां संविधान संशोधन होता है हमारा कब, 1976 में पीएम रही थी उस समय भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री
कौन थी? इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपका क्या कहता है, सेकुलर शब्द को जो इसमें इंक्लूड किया जाता है हमारे भारतीय संविधान में। ये मूल रूप से संविधान में नहीं था आपका, यानी कि धर्म निरपेक्ष देश नहीं था भारत का, लेकिन 1976 में इसको शब्द को ऐड किया जाता है, सेकुलर शब्द को डाला जाता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, और आप लोगों को मैं ट्रिक से याद करा चुका हूँ, इसलिए फिर से आपके सामने क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि आपकी ट्रिक आप लोगों के लिए काम कर रही है, नहीं या देखना चाहते हैं, फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा क्या होगा? सभी लोग सेशन को लाइक करते रहे भाई, और अपने कोई फ्रेंड वगैरह हैं तो उनके साथ ग्रुप वगैरह में शेयर करना फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? सेशन को लाइक करते रहे सभी लोग, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 कहता है कि हाथी का किस प्रकार का दांत जो है, एक आपका इस वाले दांत की बात की जा रही है आपसे, जिसको हम टस्कर कहते हैं, आपका जो तस्कर होते हैं आपके, टस्क इसको कहा जाता है। अगर बात करें इसकी तस्करी भी होती है, काफी कोशिश की जाती है, इसलिए इनका अवैध शिकार भी होता है हाथियों का काफी। तो इस दांत की बात आपसे की जा रही है, इसको हम क्या कहेंगे, कौन से दांत का भाग रहेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। सभी को अच्छे से याद होगा मुझे उम्मीद है। चलिए निम्मी जी कह रहे हैं यहाँ पर मोला, तो आपने वो क्लास नहीं देखी आई थिंक। चलिए जितने भी लोग डी दे रहे हैं भाई, सभी क्लास वाले हैं बिल्कुल। कहाँ से निकलता है भाई, कैसे याद रखेंगे हम इसको? देखिए यहाँ पर मैं इंग्लिश वाले आ रहे हैं, कृंतक वृंतक छोड़िए, कृंतक अग्रचवर रत्नक, इनमें कंफ्यूज हो जाएगा, इंग्लिश में याद रखेंगे। जब भी हम टीतो की बात करेंगे, चाहे हम किसी एनिमल की बात कर रहे हैं या हम एक इंसान को एनिमल है उसकी बात कर लेंगे, तो हमेशा इंग्लिश वाला याद रखेंगे, क्योंकि हिंदी में कंफ्यूजन होगी भाई। तो कहाँ से इन साइजर लिखेंगे, पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या इन साइजर, जो लोग उस क्लास में नहीं थे वो देख लीजिए। देखिए इन मतलब क्या है कि भाई अंदर से निकल रहा है, मुंह के अंदर से निकल रहा है, डेफिनेटली बात है इनसे निकल रहा है आपका, ठीक है, इनसे निकल रहा है। साइजर क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि साइज काफी बड़ा है, इसको इन साइजर साइजर क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि आपका इसका साइज काफी बड़ा है। इस दांत का साइज आपको दिख रहा होगा, अन्य दांतों की तुलना आप कर लीजिए, ये हाथी के दांत रहे ऊपर, ये तो हमारे होते हैं, ये हाथी के दांत रहे, अन्य दांत ये रहते हैं, इनसे कोई चबाता है, यानी कि जो भी खाना वो खाता है घास वगैरह इनसे चबाता है, तो ये सारे छोटे दांत हैं, बाकी सब बड़े हैं, तो ये कैसे हो गए इन साइजर। तो आगे से हमेशा याद रखें, कभी भी आप नहीं बोलोगे इस चीज को कि हाथी का जो बड़ा हुआ टस्क जो है दांत है, ये कौन किस दांत का भाग है, तो इंसाइजर का भाग है, ठीक है। कौन कौन से दांत होते हैं अगर मनुष्य में बात करेंगे, तो देखिए याद इंसाइजर हो गया, उसके बाद कैनाइन, प्री मोलर, फिर आएगा आपका लास्ट में मोलर होता है, ठीक है। इस प्रकार हम बात करेंगे 32 हो जाते हैं, वैसे 20 टीथ होते हैं आपके, जो टेम्पररी टीथ उनको कहा जाता है। चलिए याद रखेंगे आगे से इस चीज को आप, ये दांत कौन सा रहेगा बड़ा वाला, जिसको हम टस्क भी कहा जाता है, वो होगा आपका इनसाइजर, क्योंकि इनसे निकल रहा है, साइज बड़ा है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 15 आंसर दीजिएगा। ग्रीनलैंड द्वीप किस देश में स्थित है? फटाफट आंसर करिएगा। मेरी मैथ की क्लास नहीं चल रही है, आप मैथ की तैयारी अपने हिसाब से कर सकते हैं, बाकी आपका जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग की क्लास आपको मिलती रहेगी मेरी डेली, बहुत में आज रीजनिंग होने वाली है आज भी आपकी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे यहां पर क्या कहता है कि ग्रीनलैंड द्वीप जो है किस देश में स्थित है? बिल्कुल आंसर आ चुका है आप लोगों का यहाँ पर, डेनमार्क, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क, जो ऑप्शन हमारा सी पर दिया गया है। कई बार डेनमार्क की कैपिटल पूछी जाती है एग्जाम में कि भाई डेनमार्क की कैपिटल क्या है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी करेक्ट हो गया। ग्रीनलैंड द्वीप जो है आपका कहाँ पर आएगा, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है, सबसे बड़ा आइलैंड पूछा जाता है आपसे कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा रहेगा, तो ग्रीनलैंड होगा, पापुआ आपका न्यू गिनी दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, वो पैगन कैपिटल हो जाएगी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर भैया आंसर दीजिए सभी। पुनर्विचार के लिए एक बिल को लौटाना कौन सी वीटो का अधिकार रहता है भाई प्रेसिडेंट के पास, कौन सी आपकी वीटो रहती है, कौन सी शक्ति रहती है, कौन सी पावर रहती है कि पुनर्विचार के लिए, यानी कि खारिज नहीं कर रहा है, पुनर्विचार के लिए कि भाई संसद एक बार फिर से इस पर विचार कर ले, इस बिल को लौटाया गया है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, कहीं कुछ दिक्कत रही होगी प्रेसिडेंट जी को, तो जो लौटाते हैं तो कौन सी पावर रहती है, कौन सी वीटो रहती है उसकी, वो पूछा जा रहा है आपसे। प्रिंस जी वेरी गुड मॉर्निंग, काफी लेट हो गए, काफी अच्छी चीजें निकल गई आपकी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर दीजिए आंसर, नोटिफिकेशन तो आपका नहीं जाता है, आप विजिट कर लिया करें 8 बजे, 8:10 पर। चलिए 16 का आंसर करेंगे सभी, क्या आंसर आ रहा है आपका, सी आ रहा है सस्पेंसिव वीटो। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं इस चीज को, केवल यही क्वेश्चन याद रखना है, ज्यादातर आपकी 3 वीटो आपकी दिख रही है, तो क्वेश्चन आपका ये सस्पेंसिव वाली से पूछा जाता है ज्यादातर। पुनर्विचार के लिए लौटा रहा है संसद को, तो ये रही हमारी संसद, ये रहे भाई हमारे प्रेसिडेंट जी, ठीक है, ये रहे प्रेसिडेंट जी। तो अभी इनको क्या कर रहा है भाई, सस्पेंस में है, इनको समझ में नहीं आया, इनको थोड़ा सा दिक्कत लग रही है कि भाई इस वाले बिल को जो है एक बार फिर से विचार करना चाहिए, सस्पेंस क्लियर नहीं हो रहा कि यह आखिर है क्या है, ठीक है, हम याद करने के लिए कर रहे हैं इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें सस्पेंस में है, तो फिर पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, कहाँ पर, संसद में पहुंचा दिया प्रेसिडेंट जी ने, तो इस तरीके से हमें सस्पेंस से वीटो, केवल इंग्लिश में याद रख लीजिएगा, काफी रहेगा आप लोगों के लिए, सस्पेंस से वीटो रहेगी आपकी, पुनर्विचार के लिए किसी बिल को लौटाना है, ठीक है भाई, जिसमें आपका मुख्यतः धन विधेयक नहीं होना चाहिए। चलिए 111 आर्टिकल में इसके बारे में चर्चा की गई है, आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर दिया है यहाँ पर 17 कहता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा,
इसका मर्ज भी हो चुका है ये बैंक आपको किसी एक बैंक के साथ, अब दो बैंक मिलकर आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाला, दो बैंक मिल गए, कौन कौन से रहेंगे आपके वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 17 दिया गया है इसका आंसर आप लोग देंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर हमारा कहां पर रहेगा। तो याद रखिएगा भाई 21 दिसंबर 1911 में इसकी स्थापना की जाती है, सिंडिकेट बैंक के साथ इसका मर्जेशन हुआ है। एंड बात करें यहां पर तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर रहेगा कहां पर, मुंबई में, जो ऑप्शन बी पर। जितने भी लोग बी दे रहे हैं सभी का आंसर यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कांच को भी घोल देने वाला है तो वो कौन सा आपका रासायनिक तत्व रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन बनता है कौन सा एसिड रहेगा, तो ये भाई होता है हाइड्रोफ्लोरिक, कांच को घोल देता है, कांच पर लिखने के लिए भी उपयोग करते हैं इसका। चलिए आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग उत्तर देंगे इसका, राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो भाई क्वेश्चन आपसे क्या कहता है यहाँ पर, क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। देखते कितने लोग ऑप्शन ए की तरफ जा रहे हैं, कितने लोग सी की तरफ जा रहे हैं, दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगी। तो भाई देखिए सी वाला जो दिया गया कुछ लोग आंसर देंगे यहाँ पर, आपका सी जो रहेगा ये रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा हाइड्रोक्लोरिक, कौन सा हो गया क्लोरिक हो गया, इसलिए सी आ रहा है यहाँ पर, ये हो गया हाइड्रोफ्लोरिक। तो इस तरीके से याद रखेंगे हम इसको, तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। ये हमारे अमाशय के अंदर भी पाया जाता है आपका हाइड्रोफ्लोरिक जो होता है ये हाइड्रोक्लोरिक, तो ये आपका हाइड्रोफ्लोरिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है केवल HF, ठीक है। अब इस हाइड्रोफ्लोरिक क्लोरोरिक जो एसिड होता है आपका HF, इसका इस्तेमाल हम कहां करते हैं, मुख्यतः कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक का जो इस्तेमाल किया जाता है इस अम्ल का, तो ये याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर, भाई इसका आंसर आप लोगों को देना है यहाँ पर क्या होगा आंसर। चलिए फटाफट आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है, आता है ये वाला क्वेश्चन बना है एग्जाम में। चलिए आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का, सभी लोग उत्तर देंगे इसका। चलिए भाई फटाफट आंसर करिएगा सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर। अभी राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, बी आ रहा है आपका सही आंसर हो जाएगा। बीपी मेनन जो थे आपके, और ये आपके संविधान सभा के भी सलाहकार के रूप में काम किया है। इसके अलावा माउंट बैटन जो था आपका अंतिम अंग्रेज जो था आपका गवर्नर जनरल, तो उसके भी आपके सलाहकार के रूप में काम किया बीपी मेनन जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ आपका एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह को, सतह के केंद्र को क्या कहेंगे। अगर गोलाकार दर्पण आपका, अब उसका जो है प्रतिबिंब पड़ेगा सतह पर, तो उसकी जो है आपका सतह के केंद्र को हम क्या कहेंगे वो पूछा जा रहा है। चलिए उत्तर करिएगा सभी लोग। आंसर क्या हो जाएगा, वक्रता का केंद्र कहेंगे उसको, क्या कहेंगे आपका केंद्र को, आपका जो है वक्रता का केंद्र कहेंगे हम कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये रहेगा इस प्रकार, अगर इसकी छवि बढ़ती तो वक्रता का केंद्र कहेंगे उसके सेंटर को। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जा रहा है आपसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है पुरातत्व विभाग जो है भाई इसकी स्थापना कब होती है पूछा जा रहा है आपसे। ट्वेंटी का क्या आ रहा है आपका बी, कई बार इसके फाउंडर पूछे जाते हैं किसने स्थापना की थी इसकी, ये SI की फाउंडर पूछे जाते हैं कई बार। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में होती है, बात बिल्कुल सही है भाई आपकी। इसके अलावा बात की जाए तो भाई इसके फाउंडर कहलाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, वो पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कई बार। इस सेशन को लाइक करते जाइए सभी लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, सिक्किम में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। चलिए फटाफट आंसर करेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर दिया यहाँ पर 22, सिक्किम में कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती है वो आपसे पूछ रहा है। तो देखिए याद रखिएगा यहाँ पर सिक्किम की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे तो भी 12 के आसपास रहेंगी, ठीक है, चार आपकी उसकी ऑफिशियल रहेंगी और उसके अलावा 8 जो है आपकी वो एडिशनल ऑफिशियल कहलाती है। अब बात करें यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में, तो कई बार आपका ये वाला क्वेश्चन बनता है कि नेपाली किसकी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो याद रखिएगा नेपाली है। भूटिया बोली जाती है, लेपचा बोली जाती है, इसके अलावा लेपचा इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी, नेपाली हो जाएगी, सिक्किमी और इंग्लिश, ये चार मुख्य जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही जाएगा जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था उसके अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आंसर देंगे आप लोग। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी जो है किसको माना जाता है,
ये आपको बताना है। एवी फ्रिगेट एमओ या आपका मैगपाई रॉबिन। चलिए आंसर दीजिएगा सभी। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कहता है यहाँ पर 23 बिल्कुल ऑप्शन ए की तरफ जितने भी लोग जा रहे हैं सभी का आंसर हो जाएगा भाई ऐसा मुंह है एमओ का, तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर सही हो जाएगा। एमओ जो है आपका कहाँ का हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा। भाई बात करें कीवी के बारे में तो ये आपका न्यूजीलैंड का हो जाएगा। कीवी शब्द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, न्यूजीलैंड के लिए। फल भी आता है कीवी करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो दिया है ए करेक्ट हो जाएगा, एमओ इसका राइट आंसर हो जाएगा और कंगारू वहां का आपका पशु रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कार्न वालेस की बात की जा रही है भाई, किससे संबंधित है, कौन से बंदोबस्त से संबंधित है, आपका रैयत बाड़ी स्थाई बंदोबस्त या आपका महलवारी बंदोबस्त। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 24 का राइट आंसर हमारा क्या हुआ, देखिए यहां पर अगर हम बात करें इसके बारे में, जो स्थायी बंदोबस्त है परमानेंट आपका सेटलमेंट जो है इसके संबंधित मुख्य रूप से पूछा था कई बार। जो कार्न वालेस कोड है इसके अंतर्गत बात करें कौन सा बंदोबस्त आएगा, आपका स्थायी बंदोबस्त आएगा जो ऑप्शन ए पर हमारा दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन जो ए दिया गया इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कार्न वालेस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें कार्न वालेस के बारे में, तो स्थायी सुधार के रूप में आप कंपनी इसको लेकर आती है, इसके लिए नियुक्त की जाती है, इसको स्थायी सुधार यहाँ पर करें। तो स्थायी बंदोबस्त या स्तंभरारी जो आपकी बंदोबस्त है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच एक कर वसूलने की संबंधित एक स्थायी व्यवस्था थी, स्थायी मतलब परमानेंट, ठीक है। और 22 मार्च 1793 में ये लागू की जाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, बहुत ईजी क्वेश्चन रहेगा और आप लोगों को अच्छे से मैं करवा चुका हूँ, इस क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में, तो ये क्वेश्चन मैं आपको जरूर से बताता हूँ, कोई भी इंसान गलत नहीं करेगा, भी कोई व्यक्ति इसमें जुड़े सभी, तो सभी को पता है इसके बारे में क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले भी। कौन से पहले क्रिकेटर थे जिनको आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलता है, तो 1997 या इसके साथ आपके 98 इस प्रकार लिखकर आ जाए। चलिए तो आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, कपिल देव दे रहे, सौरभ जी पढ़ चुकी हैं फिर भी गलती कर रहे हो आप। चलिए बिल्कुल अलीशा शबीना मधु एंड सौरभ अब आपका सही हो गया है। चंदा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर पढ़ चुके हैं हम इसको ऑलरेडी, सचिन तेंदुलकर जी को मिलता है 1997 में आपका, तो ऑप्शन बी हमारा सही जाएगा। पहले क्रिकेटर बने ऐसे जो कि आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो इनको मिलता है, रोहित शर्मा को रिसेंटली 2020 में आपका दिया गया है और ये चौथे क्रिकेटर बनते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनने के चांसेस है कि भाई कौन से क्रिकेटर, कौन से क्रम के क्रिकेटर बने हैं रोहित शर्मा। अब देखिए पहले हो गए कौन, सचिन तेंदुलकर जी, दूसरे हो जाएंगे कौन, महेंद्र सिंह धोनी, 2007 में इनको मिलता है, ठीक है, कब 2007 में मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई उसके बाद 2018 में मीराबाई चानू के साथ किसको मिलता है, दो व्यक्ति को जाता है, तो वो थे आपके विराट कोहली, ठीक है। अब 2020 में रोहित शर्मा को, तो कौन से क्रम के हुए, फोर्थ, ठीक है। 1991-92 में इसकी शुरुआत होती है, पहले व्यक्ति प्राप्त करने वाले थे विश्वनाथन आनंद। ये 2020 के पांच नाम है आपके सामने और यहाँ से दो क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो याद रखिए सीएचएसएल के एग्जाम में मनका बत्रा वाला क्वेश्चन पूछेगा किस खेल से संबंधित है, क्योंकि इनको अवार्ड मिला है आपका 2020 का, तो याद रखिएगा इस चीज को। और रोहित शर्मा से क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि 2019 में सबसे ज्यादा किसको, बिल्कुल सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न मिल चुका है 2014 में आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, आंसर देंगे, और सबसे कम उम्र के रहे थे आपके भारत रत्न प्राप्त करने वाले 40 की एज में, तो ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। टोटल 48 अभी तक भारत रत्न दिए जा चुके हैं, कितने व्यक्तियों को, 48 व्यक्तियों को अभी तक दिए जा चुके हैं भारत रत्न। 26 आपके सामने, अगर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए तो आप लोग कॉपी और पेन आपके पास रखते हैं, क्लास में रखते हैं, तो ये चीजें नोट कर लिया करें। राजीव गांधी खेल रत्न तो कितने लोगों को मिल चुका है अभी तक, तो वो भी याद रखने वाली चीज है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो 43 टोटल अवार्ड अभी तक दिए जा चुके हैं आपके राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। चलिए अब आंसर देना है आपको, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई। क्या आंसर आ रहा है आप लोगों को 26 का, चलिए चलिए कार्बोहाइड्रेट तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका।
प्रति ग्राम की बात कर रहा है क्वेश्चन आपसे कि एक ग्राम अगर आप किसी को कोई भी चीज में से दें तो कितनी प्रोटीन हमको प्राप्त होती है, वो आपसे पूछा है कितनी कैलोरी प्राप्त होगी आपसे, सबसे ज्यादा मात्रा में कितनी होगी। तो याद रखिएगा वसा जो रहता है आपका सबसे ज्यादा मात्रा में कैलोरी प्राप्त रहेगी आपकी यहाँ पर, तो ऑप्शन हमारा सी सी हो जाएगा। और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में आपका सेम रहेगा, बराबर रहेगा इनका आंकड़ा। लेकिन अगर वसा की हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा होती है आपकी, ठीक है, मैक्सिमम किसमें होगी आपके फैट में होगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है आपसे कि हमारे भोजन में, आप लोगों के भोजन में कह रहा हूँ, चलिए मैं आपके भोजन में सबसे ज्यादा मात्रा किस जो है ऊर्जा के लिए सबसे ज्यादा मात्रा क्या रहेगी, ये क्वेश्चन पूछा था ऊर्जा के लिए सबसे ज्यादा हमारे में क्या रहता है। तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट रहेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को जो हम ज्यादा मात्रा में खा सकते हैं, जैसे कि बांट लीजिए भाई गेहूं की रोटी है सभी ज्यादा लोग खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा चावल वगैरह खाते हैं सभी में कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है मुख्यतः। अब वसा की बात करेंगे, वसा को हम ज्यादा मात्रा में नहीं ले सकते, इसका लिमिटेड ले सकते हैं, ज्यादा लेंगे तो फिर दिक्कत आएगी आपको बहुत बड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कम मात्रा में ले सकते हैं वसा को, जैसे कि आपका बटर हो गया, बटर में आपका वसा होता है, तो उसको कितनी मात्रा में ले सकते हैं हम, बहुत ही कम मात्रा में, ज्यादा मात्रा में नहीं ले सकते। तो यही पूछा जाता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितने भी लोगों ने सी दिया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर देंगे सभी लोग, राइट आंसर हमारा क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कौन जो है व्हाट हैपेंड पुस्तक के लेखक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल, फैट जो होती है, वसा जो होती है उसकी बात अगर हम करें, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है उसमें। वसा का मतलब आप डायरेक्ट भाई उसी चीज से निकालते हैं कि भाई जो बड़े बड़े पेट रहते हैं लोगों के, उनसे डायरेक्ट वसा का मतलब हम निकालिए। यहाँ पर हम खाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको लिमिटेड मात्रा में लेंगे सही रहता है। तो व्हाट हैपन की बात आपसे की जा रही है कि व्हाट हैपन के लेखक कौन है भाई। तो यहाँ पर क्या अगर बात करें तो 2017 में एक आपका चुनाव होता है कहाँ का, अमेरिका का, उसमें हिलेरी क्लिंटन के हार जाते हैं, तो वो कहते हैं व्हाट हैपन, 2017 की पुस्तक है उनकी, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, व्हाट हैपन, हार गए तो हार गए। तो ऐसे याद रख सकते हैं इसको, हिलेरी क्लिंटन जो थी आपके, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, बी ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, इनके द्वारा लिखी गई 2017 की पुस्तक रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, कौन सा एक अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स रहेगा। इनडायरेक्ट का अर्थ ये रहेगा कि आप डायरेक्ट जाकर सरकार को पे नहीं कर रहे हैं, किसी माध्यम के थ्रू जा रहा है। अब आप लोग अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं। आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए इनडायरेक्ट की बात की जा रही, तो एक्साइज ड्यूटीज हो रहेगी आपकी, उत्पाद शुल्क जो लगता है आपका, ये आपका किस प्रकार का कर रहेगा। अगर इसकी हम बात करें, उत्पाद शुल्क की हम बात करेंगे, तो ये इनडायरेक्ट रहेगा, इसको कभी डायरेक्टली सरकार को कोई नहीं देता। देखिए संपत्ति कर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, आप लोग आंसर देने कई सारे लोग सी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा पूंजी लाभ कर है, पूंजी कहीं आपने लगाई उस पर लाभ हुआ, तो ये सारे आप डायरेक्ट देंगे सरकार को, ठीक है। संपत्ति कर रहेगा मान लीजिए आपका, ठीक है, तो आपको इनकम होगी एक तरीके की, तो उस पर आप टैक्स जो भी देंगे तो सरकार को डायरेक्ट आप देंगे। अगर मान लीजिए उत्पाद की बात कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है आपका, जीएसटी वगैरह है, इनकी बात करेंगे, तो कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, सिंपल सा, आपने कुछ भी खरीदा है यहाँ पर 50 रुपए का, उसमें टैक्स इंक्लूड है आपका, टैक्स इंक्लूड है आपकी जेब से तो लग गया टैक्स, आपने तो दे दिया भाई टैक्स। इसके अलावा वो कहाँ पर पहुंचा, भी दुकानदार के पास पहुंचा, जहां से सामान लाएगा वहां पर देगा आपका, वो सरकार को देगा अपने इनकम के रूप में, भी उसने इतना कमाया, उस अपने सामान पर इतना कमाया, तो कहाँ पर पहुंच गया, इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट सरकार को नहीं दे रहे। जैसे आपकी इनकम टैक्स रहा भाई, सबसे अच्छा उदाहरण यही समझते हैं, आपकी इनकम रही इस बार भाई 5 लाख रुपए रही, मान लीजिए उस पर 5% टैक्स लग गया, तो आपने 5 लाख कमाए हैं डायरेक्ट, आपने सरकार को उसका 5% दे दिया, तो वो डायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से हम टैक्स दे रहे हैं उसको। बिल्कुल, जो भी सामान हम खरीदते हैं बाजार में उसमें इंक्लूड टैक्स रहता है, तो हम इनडायरेक्टली सरकार को टैक्स दे रहे हैं। ये मत कहिए हम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं इनकम टैक्स टैक्स नहीं होता। आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं, आप 1 रुपए का शैम्पू भी खरीदा, उनमें भी आपका सारा टैक्स लगेगा। किस पर लगेगा, वो कंपनी जो उसको बनाएगी, तो धीरे धीरे वहां पर पहुंचेगा पूरे इकट्ठा होकर, वो सरकार को देंगे, तो कैसा हुआ, इनडायरेक्ट हुआ आपके लिए, कैसा हुआ, ये इनडायरेक्ट हुआ, ठीक है। सभी लोग टैक्स भरते हैं, ये सारे आपके टैक्स रहेंगे यहाँ पर, जीएसटी, अप्रत्यक्ष कर, मनोरंजन कर, व्यवसाय, बिक्री, सीमा शुल्क, ये सारे कैसे रहेंगे, इनडायरेक्ट रहेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है भाई, आंसर दीजिए, पहले पढ़ा चुका हूँ उस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को कुछ दिन पहले। राजगीर में भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा स्थापित की गई है, कौन सी झील में, राजगीर बिहार। क्या हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन पर है भाई आप लोगों के।
तो राजगीर है आपका, इसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो राजगीर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा किस झील के बीच में पूछ रहा है, तो याद रखिए घोड़ा कटोरा। कौन सी? घोड़ा कटोरा, बिल्कुल आंसर आ गया आप लोग, ऐसी अच्छे से याद है अभी भी आपको। तो घोड़ा कटोरा जो झील रहेगी, इसका राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा। ये ऐसा स्थान है आपका, यहाँ पर आपका प्रदूषण फैलाना मना है एक तरीके का, हम कहें तो बाइक वगैरह ये सारी चीजें वहां पर नहीं होती, अनुमति नहीं है पेट्रोल डीजल के वाहनों की, इस तरीके की बोट से आते हैं वे यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ये प्रतिमा आपके सामने दिख रही होगी, कितनी फीट ऊंची है? 70 फीट ऊंची रहेगी। 2018 में आपका जो है नीतीश कुमार जी जो थे बिहार के सीएम है, 25 नवंबर 2018 को आपका इसका अनावरण करते हैं। नालंदा जिले के आपका जो राजगीर है वहां पर बात की जा रही है आपसे, कहाँ पर? राजगीर जो है बिहार का। तो प्रतिमा की अगर ऊंचाई पूछी जा सकती है तो कितनी रहेगी? 70 फीट रहेगी इसकी ऊंचाई, ठीक है। घोड़ा कटोरा झील जो है उसके बीच में 16 मीटर के दायरे में स्थापित आपकी यहाँ पर की गई है, इस दायरे में आपका जो स्थापित इसको किया गया है। तो याद रखें, 5 पानियों से घिरी हुई एक प्राकृतिक झील है घोड़ा कटोरा। चलिए, बिल्कुल मैंने देखा नहीं है लेकिन देखने में तो अच्छा लग रहा है, मस्त प्लेस है बिल्कुल। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 30 दिया है, आंसर देंगे आप लोग उसका। राइट आंसर क्या होगा? किस खेल में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि 7 खिलाड़ी रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऑप्शन ए में एक, आप एक में 7 होगा यहाँ पर, दूसरे में 5 है तो वो गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन के अनुसार दोनों में 7-7 होने चाहिए वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है भाई। चलिए, देखिए कुछ कुछ जीके क्वेश्चन तो आपके ऐसे भी होते हैं जो आपके आसपास क्षेत्र हैं उनसे रिलेटेड आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो आप कभी भूलोगे नहीं, उनके बारे में अगर चर्चा भी कर लोगे आपस में फ्रेंड वगैरह के साथ, तो ऐसी चीजें जो आपके आसपास जो क्षेत्र है वहां से क्वेश्चन आते हैं तो उन चीजों के बारे में चर्चा कर लिया करें। जैसे कि हमारे आसपास देखा तो ग्वालियर का फोर्ट है भाई, काफी फेमस है, लोगों का जिब्राल्टर कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा किला है आपका, राजा सूर्यसेन उसके संस्थापक रहे थे, 529 ईस्वी में उसको बनाया गया। तो सारी चीजें उसके बारे में पता होनी चाहिए क्योंकि हमारे आसपास है, अगर उसके बारे में हमको नहीं पता तो बाहर की चीज याद करने से क्या फायदा, क्योंकि अगर वहां से क्वेश्चन आता है हमारे आसपास की वो हम गलत कर देते तो वैसे ही पीछे हो गए बाकी लोगों से। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हमारा हो जाएगा वाटर पोलो एंड कबड्डी। देखिए कबड्डी में 7 होते हैं आपके, अगर आपने खेली हो कभी, लेकिन जब हम कबड्डी खेलते थे उसमें 7-5 का कोई रोल नहीं, जितने लोग हैं आधे आधे हो जाते, आधे इधर आधे उधर, 50-50% बढ़ जाते थे। अगर 8 हैं तो 4-4 हो गए, 10 हैं तो 5-5 हो जाते थे। लेकिन अगर बात करें कबड्डी के 7 खिलाड़ी रहेंगे, वाटर पोलो में भी 7 रहेंगे, पोलो की बात करेंगे तो केवल 4 हो जाएंगे, केवल सिंपल पोलो की बात करेंगे तो 4 हो जाएंगे, वाटर में जाएंगे तो 3 व्यक्तियों की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है, कितने हो जाएंगे ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा रेट करेंगे इसको। बास्केटबॉल में आपके 5 रहेंगे, खो खो में 12 रहते हैं, 9 फील्ड पर रहते हैं, इस प्रकार याद रखें, बेसबॉल में आपके 9 होते हैं। चलिए आगे को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, सुआ नृत्य जो है किस राज्य से रिलेटेड है? विच स्टेट इज द सुआ डांस रिलेटेड, किस स्टेट से संबंधित है सुआ नृत्य? और पता है सुआ को क्या कहते हैं गांव की लैंग्वेज में हमारी साइड? जो पैरेट होता है आपका, तोता जो होता है पैरेट, उसको सुआ कहा जाता है इधर की लैंग्वेज में हमारे यहाँ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका दिया 31, इसका आंसर देंगे आप लोग। वो तो याद करने के लिए बताया था मैंने आपको, बिल्कुल छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में देखने को मिलता है आपका, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि मध्य प्रदेश आपका छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्यतः छत्तीसगढ़ इसका आंसर होगा। सुआ नृत्य जो है आपका कहाँ से संबंधित है? आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है, कुछ इस प्रकार आपका होता है सुआ नृत्य। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 स्क्रीन पर है, आंसर देंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? क्वेश्चन ठीक से पढ़ लीजिए फिर ऑप्शन पर जाइएगा, एक बार क्वेश्चन ठीक से पढ़िए फिर से। तोता ही कहते हैं उसको हिंदी में, जो आपका पैरट रहता है उसकी बात कर रहा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर, 15 का आंसर आप लोग देंगे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात आपसे की जा रही है। अच्छा, एक तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं अगर याद करना हो आपको तो, ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयुक्त ये है आपके विमल जुल्का, ठीक है। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपने अगर महाभारत देखा होगा तो उसमें कौन थे, एक संजय नाम के कैरेक्टर थे, और आपने देखा हो तो वो क्या करते हैं, धृतराष्ट्र जी को सारी सूचना देते हैं, एकदम सतर्क करते रहते हैं, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट करके रखेंगे इसको तो आप क्या करेंगे इसको याद कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में काफी कंफ्यूजन होती है, सूचना वाले ये हैं, सतर्कता वाले संजय हैं। संजय कोठारी आपके कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, ठीक है भाई। कौन है? ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अगर आपसे पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन तो आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल 2020 को इनकी नियुक्ति होती है, ठीक है भाई। के वेणुगोपाल तो आपके कौन हो जाएंगे, वो ये आपके वो हो जाएंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एंड विमल जुल्का केंद्रीय सूचना आयुक्त हो जाएंगे, हर्ष कुमार भानवाला जो है आपके प्रेसिडेंट रह चुके हैं आपके किसके, नाबार्ड।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी इम्पोर्टेंट है, पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से आपके सामने क्वेश्चन है ये कि कोविड-19 के कारण आपका मरने वाला पहला शाही कौन बन गया है। अभी शाही वाला जमाना चला गया हालांकि, लेकिन कुछ शाही रह गए अभी भी। चलिए हाँ बिल्कुल, इस तरीके थोड़ी चीज जितना जी को आप कनेक्ट करके रखेंगे उतना आपके माइंड से जो है आपका जो वेट एक तरीके का रहेगा, ये चीज याद करने का वो चीज है वो कम होते जाएगा और आप ज्यादा चीजें याद कर पाएंगे, लंबे समय तक याद रहेगा। जितना हो सके कनेक्ट करने का प्रयास किया करें। आंसर दीजिएगा भी, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी आ रहा है आपका, गलत हो जाएगा सभी का। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हमारे यहाँ इसका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, मारिया टेरेसा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए पर आपका दिया गया है। कैथरीन तो काफी पहले मर चुकी है भैया आपका, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, मारिया टेरेसा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए सही होगा, इसलिए फिर से मैंने आप लोग लिया है क्योंकि बी डी आप लोग इस तरीके से आंसर दे रहे हैं, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा, मारिया टेरेसा। मारिया टेरेसा कहाँ की थी, स्पेन की थी, स्पेनिश राजकुमारी मारिया टेरेसा ऑफ बॉर्बन परामा जो कोविड-19 के कारण बनने वाली पहली शाही बनती है। तो कोविड-19 से ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे जो आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। और स्पेन के राजा जो फेलिप शिक्स हैं उनकी चचेरी बहन थी ये, जो कि अब ठीक है कोविड-19 के तहत चल बसी हैं। चलिए शाही कोविड-19 से मरने वाली कौन है, मारिया, ऐसे याद रख ले, थोड़ा सा कनेक्ट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने, प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के जो अन्य मंत्री हैं इनको भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, वो आपको बताना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा आर्टिकल कहता है भाई, आर्टिकल कहता है हमारा 75, कौन सा कहता है 75, बिल्कुल 34 का सी आप दे रहे हैं तो बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित आपका रहता है, ठीक है। आर्टिकल 75 कौन नियुक्ति कर सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति होती है, इस चीज को याद रखेंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दिया है आपका यहाँ पर 35 कहता है आपसे, भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट विधेयक से जुड़ा था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इल्बर्ट विवाद जो है आपका, यहाँ पर आपका विवाद भी हुआ था, इल्बर्ट विवाद जो है संबंधित है, इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करेंगे अभी इसके बारे में, पहले आप लोग आंसर देंगे इसके बारे में, दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे अभी हम, और एक दो पॉइंट आप लोग यहाँ से नोट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, थोड़ी सी अभी जो है कॉमन कोल्ड जो है परेशान कर रहा है इसलिए बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आप लोग देंगे यहाँ पर, 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट विधेयक की बात आपसे की जा रही है, किससे जुड़ा हुआ है, आंसर आ रहा है आप लोगों का यहाँ पर रिपन, ठीक है बिल्कुल। लेकिन 1884 में आपका अगर बात करें 1884 से 88 तक कौन रहता है आपका गवर्नर जनरल वायसराय, वो डिफरेंट है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रिपन इसका सी आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक आपका वायसराय गवर्नर जनरल के रूप में काम करता है। यहाँ से चीजें इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा। अब इस बिल की बात करते हैं, इस एक्ट के बारे में बात करते हैं, तो 1883 में रिपन की वायसराय शिप के आपका मार्केस के दौरान लाया गया था, जब आपका रिपन जो था वायसराय था, तो एक विधेयक था इसमें आपका सर कर्टन किसके द्वारा लिखा गया था, कर्टन इल्बर्ट के द्वारा लिखा गया था, इसलिए इल्बर्ट को इल्बर्ट एक्ट या इल्बर्ट विधेयक के रूप में जाना गया, 1883 में लाया गया रिपन के द्वारा। बाद में क्या होता है 25 जनवरी 1884 को यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1884 के रूप में ये आपका पारित हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो अधिनियम किया गया था, फिर आपका जो लॉर्ड रिपन जो था आपका 1884 तक हमारा वायसराय रहता है, आपको पता होगा। इस बिल के द्वारा बात करें तो भारतीय जो न्यायाधीश थे, जो भारत के व्यक्ति वो न्यायाधीश बन जाते हैं, उसके बाद उनके पास कौन से अधिकार आ गए थे इस बिल के बाद, कि यूरोपीय नागरिक अगर कोई आरोप वगैरह करता है कुछ रहता है तो उसके बारे में भी अगर बात करें, सुनवाई करने का जो है यूरोपीय नागरिक की सुनवाई करने का भी जो है प्रावधान था, कि भारतीय न्यायाधीश जो बने हैं व्यक्ति भारतीय न्यायाधीश बने हैं कि उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार उनको दिया गया था इस बिल के दौरान, जो यूरोपीय नागरिक भी शामिल रहे थे, भारत के साथ साथ आपके यूरोपीय नागरिक भी इसमें शामिल थे, अगर वो आरोप वगैरह उन पर रहता है तो उसमें भी आपका इस बिल के द्वारा क्या किया गया था, भारतीय न्यायाधीश पर जो सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अंग्रेजों को रास नहीं आया, ठीक है। तो इस बिल का अत्यधिक विरोध हुआ, उसके चलते बाद में वायसराय ने इसे वापस ले लिया था। तो क्वेश्चन यही बनता है कि अल्बर्ट जो आपका इल्बर्ट एक्ट जो था उससे विवाद क्या था या किससे रिलेटेड था, तो भारतीय न्यायाधीशों, इंडियन सिविल सर्विसेज, या इसके अलावा आपका
किसी टैक्स रिलेटेड रखना ऑप्शन या किसी अधिनियम से रिलेटेड दे रहे हैं आपको ऑप्शन, तो ये क्वेश्चन बनता है। इसलिए हमने सारी पूरी कहानी पढ़ी यहाँ पर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकल कर आता है भारतीय न्यायाधीशों से, कई बार क्वेश्चन बनता है ये वाला एग्जाम में, हिलबर्ट विवाद किससे रिलेटेड था, संबंध किससे था, इस तरह के क्वेश्चन बनता है। रेपन के दौरान आपका पारित होता है ये, ठीक है। इसके बाद 84 से 88 तक कौन रहता है, डफरिन आता है शासन में, यानी कि वो बन के आता है। चलिए सारी चीजें क्लियर है आप लोगों की, तो क्लास हमारी यहाँ पर होती है कंप्लीट। 35 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, और जिन लोगों को प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी का, एडमिन पर कोड यूज कर सकते हैं 10% ऑफ के लिए, एंड फॉलो कर ले मुझे अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर जाकर आपको राहुल सरोन की सर्च करना है, 10:30 बजे आपकी स्पेशल करंट अफेयर की एक सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें 2020 का हम करंट अफेयर जो है डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग को जुड़ना है, और सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर बताएं। आज की क्लास काफी अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन रहे थे, और लाइक एंड शेयर जरूर करते हैं दोस्तों के साथ, एक व्यक्ति के साथ शेयर आप जरूर करें, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं शेयर कर सकते हैं इसी सेशन को। शेयर का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी आप ग्रुप में जुड़े हैं उसमें शेयर जरूर करिएगा आज के सेशन को अगर आपको अच्छा लगा है तो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुलाकात होगी अगली क्लास में आप लोगों से। शाम को 4 बजे भी आपका जो है एक सेशन रहेगा आज रीजनिंग का, हेलो रीजनिंग पर, तो वहाँ भी आप विजिट कर लीजिएगा 4 बजे।